हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू ओवरटेक। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ की नई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से यानी कि आरपीएफ की तरफ से साल 2024 की निकाली गई है नई भर्ती। दोस्तों इस भर्ती के सबसे पहले आपको बता दें कि आवेदन कब से शुरू किए जा रहे हैं, तो 15 अप्रैल से इसके आवेदन शुरू किए जा रहे हैं। दोस्तों इस भर्ती के आवेदन शुरू किए जा रहे हैं 15 अप्रैल से, लेकिन काफी सारे बच्चों के मन में, काफी सारे कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट्स है कि इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा और अप्लाई करते समय हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये सारे के सारे डाउट जो हैं आपके वो भी क्लियर करेंगे और भी काफी सारे डाउट है वो भी आपको आगे हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं आरपीएफ की इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 100% एलिजिबल हैं। अगर आप केवल मान लीजिए 10वीं क्लास पास भी हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आप सभी से शिकायत रहती है कि आप वीडियो देख लेते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो और रोजाना इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरपीएफ की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इस साल 2024 की नई भर्ती है। दोस्तों मल्टीपल जॉब यहां पर निकाली जा चुकी है, 7500 प्लस वैकेंसीज यहां पर निकाली गई है, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है। आरपीएफ की जो भर्ती है ये रेलवे की भर्ती है, तो रेलवे में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आरपीएफ आप सभी के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है अप्लाई करने के लिए, जॉब करने के लिए। तो दोस्तों आरपीएफ में जो भर्ती निकाली गई है ये ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं फ्रेंड्स, आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल्स में आपको जानकारी देते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। दोस्तों हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है वो है tipswarrierbuzz.xyz। दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट या आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास हैं, तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा और इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी लेकर के अप्लाई जरूर कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं दोस्तों हमारी सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरपीएफ की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती। यहां पर जो वैकेंसी निकाली गई है मल्टीपल है, टू टाइप्स ऑफ वैकेंसी है, जिसमें कांस्टेबल की भर्ती सबसे पहले है। तो कांस्टेबल की भर्ती के लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 10वीं के अलावा 12वीं या ग्रेजुएट पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सेकंड नंबर की जो वैकेंसी है वो है एसआई की यानी कि सब इंस्पेक्टर की, इसके लिए केवल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। बात की जाए टोटल वैकेंसी की तो 7500 से अधिक वैकेंसी यहां पर निकाली जा रही है, जो कि ऑल इंडिया की जॉब है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आरपीएफ की इस भर्ती के लिए लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी सिटी में रहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई सिर्फ आपको ऑनलाइन करना होगा। बात करते हैं कि आरपीएफ की भर्ती के लिए आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है ताकि आप सिलेक्शन पा सके। तो सबसे पहले आपको सीबीटी बेस्ड एग्जाम की तैयारी करनी होगी, सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाइड होते हैं तो फिजिकल मेजरमेंट के लिए आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, आपकी दौड़ भी होगी, आपकी छाती का नाप लिया जाएगा, आपकी हाइट नापी जाएगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपके फाइनली मेडिकल एग्जाम होंगे। बात करते हैं सीबीटी में आपका एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार होने वाला है, तो इस प्रकार आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। आपकी जो सवाल पूछे जाएंगे वो 10वीं लेवल के सवाल होंगे, अर्थमेटिक के सवाल होंगे 35 सवाल 35 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 35 सवाल होंगे 35 नंबर के, बाकी जनरल अवेयरनेस से सबसे ज्यादा सवाल है 50 सवाल है 50 नंबर के, टोटल 120 सवाल है 120 नंबर के, ठीक है। यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान दीजिएगा, एक घंटे का आपको समय मिलेगा। सैलरी 21,700 से 35,500 रुपए पर मंथ आपको मिल रही है और एज लिमिट जो है 18 से 28 साल है और एसआई के लिए 18 से 32 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन में 10, 12 और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस यहां पर बताया गया है और आवेदन 15 अप्रैल से 15 मई तक चलेंगे। मैंने आपको पहले ही थंबनेल के थ्रू समझा दिया है कि 15 अप्रैल से इसके आवेदन चलेंगे 15 मई तक। यहां पर आपको लिंक दिया गया है और यहां पर आपको बता दें कि इसका जो सिलेबस होने वाला है वो किस प्रकार रहेगा।
तो दोस्तों सबसे ज्यादा आपके जो सवाल पूछे जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस से पूछे जा रहे हैं। तो जनरल अवेयरनेस से आपके कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, आप देखते हैं, करंट अफेयर्स से, इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, जनरल साइंस से, इंपॉर्टेंट डेट से, स्पोर्ट्स से, कल्चर से, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अर्थमेटिक में आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये आपके सवाल होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपके देख सकते हैं एनालॉजीज और सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार आपके सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। जजमेंट में भी आपके सवाल होंगे, एनालिसिस से भी होंगे और डिसीजन मेकिंग से भी होंगे, विजुअल मेमोरी से भी होंगे, ऑब्जर्वेशन से भी होंगे, अलग अलग आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार के आपके सवाल होंगे। जनरल इंग्लिश से भी आपके थोड़े सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं बीच बीच में, और आप देख सकते हैं एसआई के लिए भी आपके यहाँ पर अलग से सिलेबस रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए ताकि आप इस वैकेंसी के लिए अच्छे से अप्लाई कर सकें। दोस्तों अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स तैयार ही नहीं है तो आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप 15 अप्रैल से आवेदन शुरू किए जा रहे हैं, अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें ताकि आप अप्लाई करने के टाइम पर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे तो आप अच्छे से अपलोड भी कर सकते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डॉक्यूमेंट्स के बिहाव पर आप यहाँ पर फिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आरपीएफ की जो वैकेंसी है कांस्टेबल और एसआई की, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो हमारे पास है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाएगा, ये बात कर रहे हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय की। लेकिन जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उस वक्त आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी आप फॉर्म में जानकारी देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप जानकारी देते हैं। तो अगर आपने गलत जानकारी दे दी, अगर मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं और आपको लगता है कि मैं कुछ दिनों बाद उस डॉक्यूमेंट्स को बनवा लूंगा, तो वो जानकारी आप डाल देंगे, तो उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स बनकर आएगा उसमें अगर मान लीजिए कोई भी आपने कोई भी करेक्शन करवाया है या उसका जो भी सीरियल नंबर है जो भी है वो अगर अलग होगा तो वह बाद में आपको दिक्कत आएगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को जो सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप वही डालिएगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है, जो 12वीं की मार्कशीट है, जो ग्रेजुएट की मार्कशीट है, मतलब जो भी आप लगा रहे हैं, मान लीजिए 10वीं ही लगा रहे हैं केवल, तो 10वीं की मार्कशीट में आपकी जो भी जानकारी है वही आप यहाँ पर दीजिएगा, वो आपकी वहां पर सबमिट होगी मार्कशीट, ठीक है, फोटोकॉपी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वीं की मार्कशीट जो भी है, 12वीं की है, ग्रेजुएट है, जो भी है वो आप यहाँ पर सबमिट कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। और आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पर अगर आपके पास में आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, जो भी आप जानकारी दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, वो आपके पास तैयार होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है, पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो या नहीं हो ये चलेगा, लेकिन आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड, ये तीनों तो कंपलसरी है, ये तो होने ही चाहिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपको दिखाने पड़ेंगे। और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होगा उसमें आपकी 10वीं की मार्कशीट चलेगी। ये अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो कि अथोराइज्ड कंपनी के द्वारा आपको यहाँ पर मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट नगर निगम के द्वारा, वो आपका यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा तब भी चल जाएगा, 10वीं की मार्कशीट के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पर एससी एसटी के कैंडिडेट्स के मन में डाउट रहता है कि सर हमारे पास में स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है क्या चल जाएगा, मैं बोलता हूँ नहीं चलेगा। दोस्तों अगर आपके पास में सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर जो है बड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है, आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, बन जाएगा बड़े ही आसानी से। अगर आपके पास स्टेट का बना हुआ है तो ईजी वे में आप अप्लाई कर दीजिए, मुश्किल से 4-5 दिन के अंदर बनकर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अप्लाई कीजिएगा, जल्द से जल्द आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं बाद में, इसको बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो मूल निवास का सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जाएगा, ठीक है, अगर है तो दीजिएगा, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। उसके बाद एनओसी आपको बाद में जमा कराना होता है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते, मतलब आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग मिलता है उस वक्त आपसे एनओसी मांगी जाती है, वो बड़े ही सिंपल वे में आप बना सकते हैं। आप किसी भी सीएससी सेंटर में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है तब जाके आपको एनओसी मिलता है। और पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है आपकी, वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देते हैं वही आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबमिट करनी होगी। और सिग्नेचर भी आपकी वही होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, ठीक है, दोनों के दोनों। एडमिट कार्ड, जब आप जो जो एग्जाम देते हैं उसका एडमिट कार्ड भी आपको सबमिट करना होगा, और जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट है वो आप सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे।
तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे हम आपके लिए और भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आने वाले हैं आरपीएफ की भर्ती को लेकर के, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।